मोबाइल फोन टावरों के बारे में जानकारी, स्थान, स्वामित्व, विनियम और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। यहाँ कुछ सामान्य विवरण दिए गए हैं जिन्हें आप मोबाइल फोन टावरों के बारे में तलाश सकते हैं। स्थान, इसमें वह भौतिक पता या भौगोलिक निर्देशांक शामिल हैं जहां मोबाइल फोन टावर स्थित है। ये शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण स्थानों या राजमार्गों के किनारे हो सकता है। मालिक, संचालक, वह कंपनी या संस्था जो मोबाइल फोन टावर का मालिक है या उसका संचालन करती है। यह एक दूरसंचार सेवा प्रदाता हो सकता है जैसे कि AT&T, वेरिजॉन, वोडाफोन इत्यादि, या यह अमेरिकन टॉवर कॉरपोरेशन, क्राउन कैसल या SBA कम्युनिकेशंस जैसी तीसरी पार्टी टावर कंपनी हो सकती है। टावर प्रकार, मोबाइल फोन टावर विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे मोनोपोल, लैटिस टावर, गाइड मास्ट या स्टेल्थर टावर, पेल या फ्लैगपोल के रूप में प्रक्षम। टावर का प्रकार, इसके स्वरूप और इसके द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। ऊंचाई, टावर की ऊंचाई एक महत्वपूर्ण विवरण है क्योंकि यह कवरेज क्षेत्र और सिग्नल की शक्ति को प्रभावित करती है। टावरों की ऊंचाई दसियों से लेकर सैकड़ों फीट तक हो सकती है। उपकरण, टावर पर स्थापित उपकरणों के बारे में जानकारी जिसमें एंटेना, ट्रांसमीटर, रिसीवर, एम्पलीफायर और सिग्नल संचारित करने और प्राप्त करने के लिए आवश्यक अन्य बुनियादी ढांचे शामिल हैं। कवरेज क्षेत्र, टावर के सिग्नल द्वारा कवर किया गया क्षेत्र जिसे अक्सर टावर से त्रिज्या या दूरी के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। ये जानकारी विशिष्ट स्थानों में सिग्नल की शक्ति और गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। नियामक अनुपालन, स्थानीय नियमों, जोनिंग कानूनों, पर्यावरण नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुपालन के संबंध में विवरण, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए मोबाइल फोन टावर विभिन्न नियमों के अधीन है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, मोबाइल फोन टावरों द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण के संपर्क से जुड़े संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जानकारी। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में FCC या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO जैसे नियामक अधिकारियों द्वारा निर्धारित सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन शामिल हो सकता है। रखरखाव और रखरखाव, टावर की उचित कार्य प्रणाली और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रखरखाव कार्यक्रम, निरीक्षण प्रक्रियाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं के बारे में विवरण, संपर्क जानकारी, मुद्दों की रिपोर्ट करने, निजी संपत्ति पर स्थापना की अनुमति मांगने या टावर के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक संपर्क विवरण। कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा या मालिकाना कारणों से मोबाइल फोन टावरों के बारे में विशिष्ट विवरण हमेशा जनता के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आपको टावर मालिक, संचालक या नियामक अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है। तो मैंने बताया कि मेरे रोबोटिक सिस्टम ने आपको किस तरह से बताया था और आपको समझाया, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो मेरा रोबोटिक सिस्टम नंबर 2 जो उसी चीज़ को आपको इंग्लिश में बताएगा। आप इंग्लिश में समझिए और कुछ शब्दों की
आलोचना कीजिए और कमेंट्स कीजिए, बताइए कि क्या वहाँ पे उसमें आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया, तो आगे उसको फिर मैं दोबारा से मेरी लैंग्वेज में अगेन ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। यू आर रीडिंग इन इंग्लिश नाउ। Information about mobile phone towers can vary depending on various factors such as location, ownership, regulations, and technology. Here are some common details you might seek about mobile phone towers. Location. This includes the physical address or geographical coordinates where the mobile phone tower is situated. It could be in urban areas, rural locations, or along highways. Owner, operator, the company or entity that owns or operates the mobile phone tower. This could be a telecom service provider such as AT&T, Verizon, Vodafone, etc. Or it could be a third-party tower company like American Tower Corporation, Crown Castle, or SBA Communications. Tower type. Mobile phone towers come in various types such as monopole, lattice tower, guide mast, or stealth tower, disguised as trees or flagpoles. The type of tower can impact its appearance and the area it covers. Height. The height of the tower is an important detail, as it affects the coverage area and signal strength. Towers can range from tens to hundreds of feet in height. Equipment. Information about the equipment installed on the tower, including antennas, transmitters, receivers, amplifiers, and other infrastructure necessary for transmitting and receiving signals. Coverage area. The area covered by the tower's signals, often described in terms of radius or distance from the tower. This information can be crucial for determining signal strength and quality in specific locations. Regulatory compliance. Details regarding compliance with local regulations, zoning laws, environmental regulations, and safety standards. Mobile phone towers are subject to various regulations to ensure public safety and minimize environmental impact. Health concerns. Information about potential health effects associated with exposure to electromagnetic radiation emitted by mobile phone towers. This may include compliance with safety guidelines set by regulatory authorities such as the FCC in the United States or WHO internationally. Maintenance and upkeep. Details about regular maintenance schedules, inspection procedures, and emergency response plans to ensure the tower's proper functioning and safety. Contact information. Relevant contact details for reporting issues, seeking permission for installation on private property, or obtaining additional information about the tower. Please note that specific details about mobile phone towers may not always be readily available to the public due to security or proprietary reasons. You may need to contact the tower owner, operator, or regulatory authorities for more detailed information. तो अभी इंग्लिश वाला आपका मैटर क्लोज हो गया है, तो मैं उसके हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मोबाइल टावर लगवाने के लिए क्या चाहिए? आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका आय प्रमाण होना चाहिए, आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए जिसमें आपको उसका रेंट मिल सके। अगर आप किसी छत पर टावर लगाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 500 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। कुछ पूछते हैं कि
टावर लगाने में कितना खर्च आता है? तो एक नियमित आय मोबाइल फोन टावर लगाने में आपको 5,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच मासिक किराया मिलता है। वो जगह, सिचुएशन, अपने अपनी पोजीशन और शहर का मुख्य जगह के मुताबिक ये फ़र्क पड़ता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप मोबाइल फोन कंपनी के आप पार्टनर बन सकते हो। जो मेरी जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि सिर्फ आपको 5 इयर्स के लिए 5G टावर लगाते हैं तो सिर्फ 5,000 रुपये मिलेगा। लेकिन आप यदि चाहते हो कि आपका टावर का रेंज ज़्यादा हो और अच्छा चीज़ में इसमें प्रोग्रेस हो, तो फिर ऐसा संभव है कि आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो, ज़्यादा लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। 5 से जैसे आपने 10 साल तक के लगाए लिए 5G का टावर लगाएंगे जो बिल्कुल छोटा सा होता है, तो इसमें 6,000 रुपये महीना के हिसाब से आपको इनकम मिलती रहेगी। ऐसे ही आपका बड़ा जगह है तो आप उसी को 15 साल करेंगे तो 7,000 रुपये हो जाएगी, 8,000 रुपये हो जाएगा उसका पर मंथ इनकम है 5G टावर का, जो छोटी सी जगह कवर करता है। तकरीबन ये इसको चाहिए 5x5 स्क्वायर फुट की जगह, लेकिन बाकी 500 स्क्वायर फुट मिनिमम चाहिए जो ज़मीन से, जिसको टावर या छत के ऊपर आपका पक्का सीमेंट कंक्रीट से बनाया हुआ होता है। तो इन चीज़ों को यदि प्लानिंग करके रखते हैं तो एग्जैक्ट इनकम पा सकते हो। बड़े शहर के अंदर अप टू 60,000 तक आपका खेत के अंदर भी कर सकते हो, ज़मीन में भी कर सकते हो और इस तरह का मैनेज कर सकते हो। बहुत सी जगह पे अलग अलग इसका वैल्यू मिलती है। कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन टावर के आप पार्टनर बनना चाहते हो, उनकी वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी पार्टनर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन रहता है। फिर भी मैं बहुत कुछ जानकारी आपको दूंगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जैसे कि मोबाइल फ़ोन के लिए टावर की परमिशन कौन देता है, तो मैं वो चीज़ बता दूं, मोबाइल फ़ोन टावर लगाने के लिए अब अलग अलग विभागों से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश के लिए तैयार नीति पर मुहर लगा दी है। टावर लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी जल्द मंजूर कर देगी और आप मोबाइल फ़ोन टावर लगा देंगे। अब आप बताएंगे कि मोबाइल फ़ोन टावर के लिए क्या फ्रीक्वेंसी लेवल होना चाहिए, उसको आपको कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानकारी बता दूं, फ्रीक्वेंसी लेवल 92.2 से अधिक होनी चाहिए इसका। तो नेक्स्ट में ये क्या है, आपने बताएंगे कि अलग अलग कितना जगह है, तो मैंने पहले बता दिया कि अगर आप अपने घर की छत पर टावर लगाना चाहते हैं तो छत की कम से कम 500 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। आप किसी खाली प्लाट में बसाना चाहते हैं तो वहाँ का 2000 वर्ग फीट का प्लॉट होना चाहिए, जिसके अंदर उनके जनरेटर और बाकी सिस्टम भी वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि मोबाइल फोन टावर का निर्माण करने से उसके अंदर आपका क्या नुकसान हो सकता है, तो ऐसा बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं उसके बारे में ज़्यादा कोई बहसबाजी वाला मैटर नहीं छेड़ना चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन इजी तरीका है, कई अध्ययनों से पता चला है कि सेल टावर से कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो गैर आयनीकरण उच्च रेडियो फ्रिक्वेंसी RF तरंगे उत्सर्जित करते हैं। हालांकि कई ऑन्कोलॉजिस्टों ने बताया है कि RF तरंगे कार्सिनोजेनिक कैंसर पैदा करने वाली नहीं है, लेकिन ऐसी तरंगों को लंबे समय तक संपर्क में रहना निवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैं बता दूं कि जो मोबाइल फ़ोन टावर्स है अभी बहुत छोटे हो गए, 2 वाट RF आउटपुट वाले होते हैं, जिनका इफेक्टिव रेंज होता है 2 मीटर्स तक। तो आप एंटेना से 2 मीटर के नज़दीक तक क्यों जाएंगे? एंटेना मीन्स उसका बेस स्टेशन नहीं रहता, जो टॉप में उसके ऊपर जो एलिमेंट लगा रहते हैं जो सिग्नल ट्रांसमिट करते रहते हैं। इसको यदि आपको ज़्यादा ही डाउट हो रहा है तो मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ कि ये किस तरह से होता है।
जो मेनी स्टडीज आल्सो रिपोर्ट दैट सेल टावर्स मे लीड टू कैंसर एज दे एमिट नॉन आयनाइजिंग हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ वेव्स. Oncologists have reported that RF waves are not carcinogenic, cancer-causing. Long-term exposure to such waves is detrimental to the health of residents. तो इतना डरने का बात नहीं है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी और ऐसा दिक्कत होगा. तो कोई कोई ये भी बोलते हैं कि मेरे बगल में एयरटेल का टावर है, मैं जियो का टावर लगा सकता हूँ क्या? तो रूल रेगुलेशन के लिए मैं बता दूँ कि एक टावर से लेके दूसरा टावर की मिनिमम 16 मीटर दूरी होना चाहिए और टावर की जो हाइट रहती है उसका 45 डिग्री से यदि उसको उसका लाइन डाउन की जाए तो जहाँ पे जाके वो 45 डिग्री में जो उसका रेंज आता है उस रेंज के अंदर अंदर ही उसका लाइटिंग प्रोटेक्शन रहता है और उसका सिग्नल डिस्टरबेंस होता है. यदि 16 मीटर का यानी 50 फीट के लगभग जो आपका डिस्टेंस रहता है तो आप दूसरा कंपनी का वहाँ टावर प्लानिंग कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. अब कुछ ऐसा भी सवाल पूछते हैं मेरे से कि टावर कितने फुट का लंबा होता है, तो मैंने अलग अलग बताया आपकी 5G के लिए. अभी जो छोटे टावर छतों पे लगा रहे हैं उनकी ज़्यादा हाइट नहीं है, उनका 7 फीट से 21 फीट तक होती है. लेकिन मैं जो स्टैंडर्ड जो टावर है उनके लिए बताता हूँ. टावरों की हाइट 30 मीटर यानी 98 फीट से लेकर के 50 मीटर यानी 164 फीट तक होता कि हालांकि बड़े प्रशासनिक इमारतों पर या अवकाशीय क्षेत्रों में टावर की हाइट 100 मीटर 328 फीट तक भी बढ़ सकती है. तो वो बहुत कम रीजन होता है, उतनी बड़ी नहीं होती है, सब नॉर्मल होती है. अब मैंने जो आपको इसके अंदर नेटवर्क सिग्नल टेस्ट करके मैंने बताया कि किस तरह से मोबाइल फ़ोन टावर का जो सिग्नल है आप रीड करके देख सकते हो, इसका स्पीड वगैरह किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं. अभी आप बताएंगे कि टावर बनाने वाली कंपनियां है जो कौन सी नंबर वन कंपनियां हैं. तो इंडस टावर की स्थापना 2007 में भारती इंफ्राटेल और जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर में विलय से हुई थी. कंपनी के बाद में सबसे बड़ी मोबाइल टावर ऑपरेटर है और ये भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया जियो और अन्य मोबाइल ऑपरेटरों की सेवाएं प्रदान करती है. तो टावर बनाने वाली कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती है, ये सभी के साथ में मिलता रहता है. और जो BSNL के लिए जो कुछ पूछते हैं कि BSNL क्या अलग से किराया किस तरह से देता है, तो संचार निगम ने भी 2.5-3 साल से 7,600 रुपये प्रति माह किराया देना शुरू कर दिया है. जो अब 5G तो उनके पास नहीं है, लेकिन जो आपके 2G 3G के यदि नेटवर्क आप लगाना चाहते हो तो कुछ ये भी बोलते हैं कि मैं क्या अपना घर में टावर लगा सकता हूँ क्या. तो ऐसा दिमाग में आना एक अच्छी बात है कि यदि आपको यदि टावर लगाना चाहते हो तो पहले तो मैंने कुछ कंडीशन बताया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता दूं. याद रखने वाली पहली बात यह है कि आवासीय क्षेत्रों में टावर लगाना अवैध नहीं है, हालांकि इस साइट विकल्पों में कमी है. आवासीय क्षेत्रों में टावर स्थापित किया जा सकता है. ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई टावर किसी आवासीय क्षेत्र में स्थापित किया जाना है ये केवल इमारतों की छत पर होना चाहिए और नीचे के लिए ज़्यादा वो प्रॉपर्टी को एक कब्जा करके बैठना नहीं चाहिए. तो वो भी है. तो मैंने टावरों के जो रेंज की कैपेसिटी है मोबाइल में इसको रीड करके स्पीड चेक करके भी बताया कि किस तरह से इसका सिग्नल को आप रीड कर सकते हो और स्पीड कैसे कैसे चेक कर सकते हो. अभी नेक्स्ट मैं ये बता दूं कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि 5G सेल टावर की कीमत कितनी होती है,
तो मैं उसके लिए आइडिया से मैं बता देता हूँ कि 5G सेल टावर की लागत जो है छोटे सेल के बीच का अंतर महसूस महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कुछ लोग 5G सेल टावर कहते हैं तो वो छोटे सेल के बारे में सोचते हैं। एक 5G सेल टावर जिसमें 5G माइक्रो सेल भी शामिल है, जिनकी संरचना $150,000 के या उससे भी अधिक हो जाती है। तो एक छोटा सा 5G टावर है जो $25,000 या उससे अधिक तक भी हो जाता है, जो आराम से चला पाता है। अब कोई कोई ये बोल देते हैं कि जियो ने 5G और हाई सिग्नल दिया हुआ है तो क्या ये ज़्यादा खतरनाक है? कोई खतरनाक है नहीं भाई, सब लगाओ, सब इस्तेमाल करो।